पिछले 5 साल से 5-6 साल से ये
उत्तर प्रदेश में निकल रहा है। और आज प्रदेश का प्रमुख डिजिटल चैनल मीडिया चैनल मीडिया माध्यम बन चुका है। आज करोड़ दर्शक और व्यूअर अपने इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसकी खबरों पे एक्शन होते हैं, सरकार भी लेती है, कोर्ट भी लेती है। तो ये आज तक की पत्रिका की ताकत है। और इसका मुख्य कारण यही है कि पत्रिका ने कभी भी पत्रकारिता को सिद्धांत को नहीं जाना। समय के साथ जो बदलाव होते रहे, परिवेश होते रहे, पाठकों की रुचि होते रहे उसके साथ, और विकास जारी है, विकास यात्रा उसके क्रियाओं में सब चीजों में परिवर्तन आते रहे। लेकिन इसकी जो मूल आत्मा है, मूल गुण है, विश्वसनीयता का, निष्पक्षता का और निडरता का, इनसे कभी समझौता नहीं किया, समझौता नहीं किया, बल्कि कई जगह इसके कारण काफी नुकसान झेला। और पत्रिका ने जो बड़े बड़े समाचार अभियान चलाए उसके कारण सरकारों का को वजन बढ़ना, इवन कई प्राइवेट कंपनियों ने भी अपने विज्ञापन बंद कर दिए, क्योंकि पत्रिका ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए कि उन कंपनियों में कितने प्रभाव होते थे, जैसे कि मोबाइल टावर का एक मुद्दा उठाया कि मोबाइल टावर आप कर रहे थे, उन्हें रेडिएशन फैलने से लोगों में कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी, इसको पत्रिका ने बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया। और उसका नतीजा ये हुआ कि क्योंकि पहले टावर का खर्चा बढ़ गया, लेकिन मोबाइल कंपनियां एक टावर की बड़े बड़े रेडिएशन विकिरण वाले वो लगा लेती थी, उससे नुकसान ज्यादा होता था। पत्रिका ने कहा कि आप टावरों की संख्या बढ़े इसलिए और एक निश्चित मात्रा में सो होना चाहिए रेडिएशन करने पौधे में करनी चाहिए, उससे मोबाइल कंपनी इतनी नाराज हुई कि उन्होंने विज्ञापन एक जुट होकर सारी कंपनियों ने जितनी कंपनियां थी सब के बंद कर दी। इसी तरह कीटनाशक का मुद्दा उठाया पत्रिका ने कि जो ये केमिकल फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड है ये कितना नुकसान उठा रहे हैं, वो खेती में प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और इन उत्पादन बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे तरह तरह की बीमारियां बन रही है। इसको लैब रिपोर्ट्स में फसलों के पौधों के नमूने लेके सैंपल लैब लैब में जांच कर रही और उनकी रिपोर्ट प्रकाशित की, तो ये पूरे अभियान के रूप में चला। इसका वो पहले उन्होंने मुकदमा कर दिया, राजस्थान में काला कानून लेके आई, कानून लेके आई सरकार, उस कानून में था कि आप किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कुछ लिखेंगे तो पहली बार तो लिख नहीं सकते, अगर आपने लिख दिया तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये कानून बन गया पास होने के बाद पत्रिका को जैसे इस बारे में जानकारी हुई तो पत्रिका ने तुरंत ही इसकी विरोध शुरू कर दिया, इस पर काला कानून नाम दिया और जब तक काला तब तक काला करने का अभियान शुरू किया और तत्कालीन राजस्थान सरकार को मजबूर कर दिया कि वो विधानसभा में ही इस कानून को वापस लेने की घोषणा करे। छत्तीसगढ़ में जो वहाँ पे अवैध खनन माफिया अफसरों के उनके खिलाफ जिस तरह के अभियान चलाए, वहाँ पे हमारे न सिर्फ विज्ञापन बंद किए गए बल्कि हमारे संवाददाताओं को विधानसभा में कवरेज से रोक दिया गया, उनके पास बंद कर दिए गए इस तरह के, और जो नक्सल बैठ के कई जिलों में मुकदमे फर्जी मुकदमे हमारे पत्रकारों के खिलाफ दर्ज कर दिए गए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अखबार बांटने से रोकने के लिए पूरा पठितों को इनको लगा दिया गया, मंडल किए गए, इस तरह की कई धारा मतलब पत्रिका से शुरू हुआ इस तरह संघर्ष इसके पास हमेशा आते रहे। तो क्यों संघर्ष न ले रहा है इस तरह से पत्रिका, सरकार के नाराज क्यों, क्योंकि जीवन में एक पत्रकारिता सिद्धांतों पर रहते हुए काम करना है और आगे बढ़ना है। तो ये पत्रिका की एक पृष्ठभूमि थी। हमारे जो दूसरे समूह से जो सबसे बड़ा अंतर आया क्यों आया, क्योंकि जो परिवार था जो इस परिवार में निकल रहा था स्वयं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था, जिससे पत्रकार थे गुलाम जी के साथ
पेज पे अलग आगे करते हैं और दूसरे जो चरण के एक आगे जो आते हैं वो उनका इंतजार करता है राजस्थान के लोगों का, राजस्थान के लोगों का स्वयं। और एक पत्रकार के रूप में आपने कभी देखा कि और किसी अखबार के प्रधान संपादक के हमारे इस तरह से जिले जिले के अंदर दौरे करें, लोगों से मिले, लोगों की समस्या से संवाद करें, तो ये वातावरण पत्रिका की जो वातावरण है वो ऐसा है यहाँ पे जो पत्रकार काम करते हैं वो उनको व्यवसाय माहौल नहीं मिलता है, पत्रकारिता का और एक परिवार का वातावरण मिलता है जिससे कि जो इस संस्थान से जुड़ता है हमेशा जुड़ते रह जाता है। और कई यहाँ पे हमारे यहाँ उदाहरण है इसमें किसी मीडिया भी आज जैसे एक ही कहीं किसी मीडिया भी आज खड़ी हुई है अच्छी तरह से किसी समूह में काम करेगी। तो क्योंकि हमने पहचाना है कि अगर सही पत्रकारिता तरीके से आता है तो ऐसा नहीं होता है। तो अभी तक भाई साहब लगातार दौरा करते हैं, इस लोगों से मिलते हैं, उनसे उनके किन समस्याओं से वो जूझ जाने की कोशिश करते हैं, फिर वो अपनी टीम को बताते हैं कि आपको इन पर काम करना चाहिए, फिर उन पर काम होता है वहाँ पर या उनके अभियान चल रहे हैं। और हमने जितना संभव हुआ डिजिटल के जरिए चलेंगे शुरू किए अभियान, लेकिन और चीज़ें अलग अलग जिलों में किस तरह की समस्या है उस तरह से जानकारी करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के कार्यक्रम करने का निर्णय लिया ताकि बातचीत से मेरे सामने आ सके और उनपे काम भी आ सके। चुनाव इसके अलावा चुनाव में स्थिति है, जनप्रतिनिधियों ने अपने उनसे अपेक्षाएं थी जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए वो भी उसके लिए जो काम करते हैं लगातार। और इस तरह से गुलाब जैसा यहाँ पे दौरे लगते लगते रहते हैं उस तरह से अभी भी इस तरह की शुरुआत की गई है। पत्रिका की बात मैं चाहता हूँ कि भाई साहब इस बारे में बताएंगे और आप लोगों से सवाल करके जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमको अपने जीवन में भी आगे बढ़ना चाहिए और अपने समाज में भी आगे बढ़ना चाहिए और हम इससे आप लोगों को किस तरह से मदद कर सकते हैं सिर्फ हमारा उद्देश्य नहीं। धन्यवाद।